ऐसा सब जानते हैं कि आप सभी को एक डाउट रिलेटेड कि जो आपका कंफर्मेशन पेज है, मार्कशीट है, उसकी फ़ोटो कॉपी भेजनी है नहीं भेजनी है। तो CBSE की रिकॉर्डिंग जो यूट्यूब पे मुझे आप सभी ने भेजी है, काफ़ी बच्चे ने, 2 बच्चे 3 4 बच्चे हैं जिन्होंने मुझे उस लिंक को भेजा, और दूसरी बात जिन्होंने मुझे मेल करके अपनी रिकॉर्डिंग भेजी, जिन्होंने बात करी CBSE से। तो CBSE का अगर आप कॉल करेंगे, उनसे पूछेंगे, तो वो वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको यही कहना है कि आपको भेजना है, ठीक है, कन्फर्मेशन पेज भेजना है, उनको ये कहना है। तो मैंने भी उनसे बात करी है, ठीक है, और मैंने उनसे ये पूछा है कि ये जो रूल है, ये जो 2018 तक था, उसके बाद 2018 के बाद उसमें कन्फर्मेशन पेज में लिखा नहीं आता है कि आपको भेजना है ना। तो इसका मतलब पिछले साल क्या ये रूल इस साल फिर से आ गया है, यानी पिछले साल तो नहीं था पर इस साल फिर से आ गया। तो उनको कहना था कि नहीं, पिछले साल भी था। तो अगर पिछले साल ये रूल था तो फिर कन्फर्मेशन पेज ना भेजने के बावजूद जो है बच्चों के एडमिट कार्ड कैसे आए, क्योंकि मैं जानता हूँ काफ़ी बच्चों को, लगभग 7 से 8 बच्चे जो कि जिन्होंने इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दिया था, जो मेरे कॉन्टैक्ट में है, तो पिछले साल उन्होंने एग्ज़ाम दिया, उन्होंने कुछ भी नहीं भेजा रीजनल ऑफिस को, क्योंकि किसी बच्चे को पता ही नहीं था कि रीजनल ऑफिस को भेजना है, क्योंकि उसमें मेंशन नहीं है। अब आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, वो एक बात है, क्योंकि यूट्यूब पे अब जो है इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड काफ़ी जो जानकारी है वो मिलने लगी है, पर पहले ऐसा नहीं था, पहले इतनी जानकारी नहीं थी, सिर्फ इतना बताया जाता था कि इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम कैसे दिया जाता है, उसका प्रोसेस, उसके बाद कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी आपके पास। तो इस साल इससे ज़्यादा कन्फ्यूज़न आप सभी को हो रही है, पिछले साल ऐसा कुछ नहीं था, और जो लिखा होता था PDF में बच्चे वही करते थे, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ गिवन नहीं था पिछले साल, तो किसी ने भी ऐसा कुछ नहीं भेजा रीजनल ऑफिस को, पता ही नहीं था। तो उन सभी का एडमिट कार्ड भी आया, एग्ज़ाम भी और रिजल्ट भी आया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको रीजनल ऑफिस को भेजना पड़ेगा, ये 2018 में लिखा हुआ आता था, इसलिए सब इसको मान रहे हैं। अब आप रीजनल ऑफिस को कॉल करते हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या है कंपलसरी है, तो उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया, कंपलसरी है नहीं, उनको कहना है कि बस आप भेज दीजिए, आप रीजनल ऑफिस भेज दो, बस उनका बस यही कहना है कि आप भेज दीजिए। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि अगर आप नहीं भेजेंगे तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, ऐसा कोई बेसिस नहीं है। अगर कॉल करके आप उनसे पूछते हैं तो आपको यही कहेंगे आपको भेजना है, जैसे कि उन्होंने मुझे कहा है, पर ऐसा कोई रूल नहीं है। अगर ऐसा रूल होता तो पिछले साल जिन बच्चों ने नहीं भेजा उनका एग्ज़ाम कंडक्ट ना हो पाता, बल्कि उनका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। और मैंने उनसे एक चीज़ और पूछी है, क्योंकि काफ़ी बच्चों का जो दिल्ली से, जो गर्ल्स जो दिल्ली की हैं, उनका कहना है कि जो दिल्ली से आउटसाइड वाली जो गर्ल्स हैं उनका वो एग्ज़ाम नहीं दे पाती प्राइवेट का। तो ऐसा नहीं, आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, पर लेकिन उन्होंने इस बारे में कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं दिया मुझे। इसलिए CBSE रीजनल ऑफिस को आप जब कॉल करते हैं तो उनसे आप ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं गेन कर पाते हैं, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पर ही इस बारे में आपको अच्छी नॉलेज मिल पाती है, क्योंकि उनके पास जो रूल्स होते हैं, जो उनके पास जो भी वो बताते हैं, वो पुरानी इन्फॉर्मेशन ही होती है उनके पास, क्योंकि उनके पास इतना उनके पास समय नहीं होता किसी एक चीज़ के पर्टिकुलर वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रख पाएँ। तो इसलिए वो यही कहते हैं कि आप भेज दीजिए, क्योंकि वो ज़्यादा समय नहीं देते आपको। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भेजने की ज़रूरत नहीं है, और जो बच्चे रिकॉर्डिंग में अगर उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनको भेजना है तो भेज सकते हैं, है ना, कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको भेजना ही है, पर अगर आप चाहते हैं तो आप भेज सकते हैं रीजनल ऑफिस का। अगर आपको भेजना है, आप जो भी आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वहाँ का रीजनल ऑफिस है, आप वहाँ भेज भी सकते हैं मार्कशीट की फोटोकॉपी और जो भी वो कह रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं जानता हूँ कि ना मैंने ऐसा कभी सुना था पिछले साल, और जो कॉन्टैक्ट में थे मेरे उन्होंने मुझे नहीं भेजा, तो मैं तो नहीं कहूँगा आपको भेजने के लिए, पर अगर आपको लगता है कि आपको भेजना चाहिए तो आप भेज सकते हैं, कोई बात नहीं है, अगर आप भेज देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जिन बच्चों को भेजना चाहते हैं वो भेज सकते हैं, पर अगर कोई नहीं भेजेगा तो ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम नहीं होगा, ये कंपलसरी नहीं है, आपको भेजना ही है। अगर ऐसा होता तो PDF में आपको गिवन होता, आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप भेजना चाहते हैं नहीं भेजना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि मुझे कोई रिस्क नहीं लेना है और आपको ऐसा लग रहा है, तो आप भेज सकते हैं, कोई गलत नहीं है, अगर आप भेज देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, पर अगर आप नहीं भेजेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, बस इतनी सी बात है। सो आई होप आप चीज़ को समझ गए, कोई नए नोटिस होते हैं इन्फॉर्मेशन इस बारे में बात करेंगे। थैंक यू।